आज की जो रेसिपी है वो परफेक्ट है वो मम्मियों के लिए जिनके बच्चे खाना खाने के ही चोर होते हैं। मेरी बेटी भी जब छोटी थी ना, उसको खाना खिलाना एक बहुत बड़ा टास्क था, तो उस टाइम से ये वाली रेसिपी आई है, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो, जिसका नाम है रोटी सब्जी स्क्वायर्स। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक बेसन का पतला सा घोल बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अप्रॉक्सीमेटली हाफ कप जितना बेसन लिया हुआ है। आप ये बेसन की क्वांटिटी उस पर डिपेंड करती है कि आप कितनी सारी रोटियों के स्क्वायर्स बनाने वाले हैं। तो अब मैं ये बेसन में ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर एंड मिर्ची पाउडर। ये सारे मसाले आप आपके बच्चों के टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं या कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं आज बहुत बेसिक मसाले ऐड कर रही हूँ और इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी अजवाइन। ये 1 टीस्पून जितनी अजवाइन है ये हाथों से मसलते हुए मैं ऐड कर देती हूँ। और ऐड करेंगे नमक और अब पानी ऐड करते हुए एक पतला सा घोल बना लेंगे। बेसन का घोल तो रेडी है, अब बारी आती है रोटी एंड सब्जी की। आज मैं ये जो रोटी सब्जी स्क्वायर्स है वो नॉर्मल आलू की सब्जी से बना रही हूँ, पर आप गोभी की सब्जी या तो स्वीट पोटैटो, पम्पकिन, छोले, राजमा, मूंग किसी के भी साथ बना सकते हो। जो भी आपके बच्चे सब्जी पसंद नहीं करते हैं ना, उसके साथ बना सकते हो। और यही चीज़ आप पनीर के साथ भी कर सकते हो। ये वाली रेसिपी है ना रोटी सब्जी स्क्वायर की, इसके साथ तो मैंने कंगना को बचपन में टिंडे, अरबी कुछ भी खिला दिया है और वो उसको बेचारी को पता भी नहीं चला है और वो शौक से खा लेती थी। अब ये नॉर्मल जो धनिया पुदीने की चटनी आती है, मैं पहले रोटी पे वो चटनी लगा देती हूँ। अब ये आलू की सब्जी है, मैं वो ये रोटी पे रख देती हूँ और ये सब्जी को अच्छे से हम फैला लेंगे। और अब दूसरी रोटी पे भी मैं थोड़ी सी ये चटनी स्प्रेड कर देती हूँ। आप केचप भी इसके ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं चीज़ ऐड कर रही हूँ, ये टोटली ऑप्शनल है। और अब ये चपाती को लेके मैं अच्छे से प्रेस कर देती हूँ और अब मैं ये रोटी के स्क्वायर्स टुकड़े काट लेती हूँ। अब सारे स्क्वायर्स तो भर के रेडी है और अब बारी आती है स्क्वायर्स को शैलो फ्राई करने की। ये मैंने कपल ऑफ टीस्पून ही तेल ऐड किया है और अब ये रोटी का एक स्क्वायर लेके मैं बस हल्का सा ही ये बेसन के घोल में डिप करूँगी और हम निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा डिप नहीं करेंगे, इसीलिए हमने पतला सा घोल बनाया था। और थोड़ा सा ऐसे छटकते हुए मैं सीधा पैन में रख दूंगी। और बस आराम से इसको स्लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे, तुरंत ही पलटाएंगे नहीं। आराम से इसको जब तक ये किनार जो है वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए ना, तब तक हम नहीं पलटाएंगे। एक बार पलटा लेते हैं, ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। अब देख लेते हैं दोनों तरफ से, ये देखिए बहुत अच्छे से पक चुका है। मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। सुपर डिलीशियस रोटी सब्जी स्क्वायर तो रेडी है, अब ये देख के कौन बोलेगा कि ये रोटी सब्जी है। मैं इसको सर्विंग प्लेट पे ले लेती हूँ और अब मैं ऊपर से थोड़ा सा टमेटो केचप रख देती हूँ और थोड़ा सा धनिया। तो लीजिए तैयार है मम्मा की चीटिंग वाला रोटी सब्जी स्क्वायर। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, सारा स्टफिंग भी अंदर। और इससे टेस्टी चीटिंग मैंने आज तक नहीं खाई है। नो वंडर कंगना क्यों चट्टे कर जाती थी।